कपड़ा में है तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, कपड़ा अगर खोल दे तो अब देखिए। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आप 30 दिन में कितना दिन जिम जाते हैं, ईमानदारी से एकदम सच बताइएगा, आप 30 दिन में कितना दिन जिम जाते हैं। आप जरूर वहां पे गैप मारते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप जिम नहीं जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि आप रेगुलर जिम नहीं जाते हैं और आप सोचते हैं कि आपका बॉडी बन जाएगा। ऐसा बॉडी कभी जिंदगी में पूरा लिख के लो हमसे कभी नहीं बनेगा, अगर आप गैप मारते हैं तो हमें गैप नहीं मारना है, आपको रेगुलर जिम जाना होगा। तो आप जो डाइट ले रहे हैं क्या वो डाइट सही ले रहे हैं, एकदम सही परफेक्ट ले रहे हैं? आप तो रेगुलर चलो जिम जा रहे हैं ठीक है, पर जो डाइट ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं? ईमानदारी से बोलना, नहीं लेते हो। क्या करते हो मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करते हो, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन अच्छा डाइट करोगे, लेकिन बीच में 2 दिन 1 दिन जाके मार्केट में खा लोगे, घर पे कुछ बना है तो खा लोगे। यही सबसे बड़ा गलती है, एक एक दिन तुम खा लेते हो, बोलते हो 1 दिन खाने से तो कुछ नहीं होगा। अरे भाई 1 दिन, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, तो उस चीज को एवॉइड करना है हमें। सबसे बड़ा गलती पता है आप लोग कहाँ करते हैं, अपने जिम में जाकर सबसे बड़ा गलती करते हैं। आपका ट्रेनर जो बताता है आप वो चीज़ नहीं करते हो, आप 2 दिन कर लोगे वो चीज़, आपका ट्रेनर बोलेगा कि आप ये चीज़ लगाओ, बट आप 1 दिन 2 दिन लगा लोगे, उसके बाद से खुद से एक्सरसाइज करने लोगे, यही सबसे बड़ा गलती हो जाता है। ट्रेनर का सुनो यार, ट्रेनर वहाँ पे क्यों है, आखिर उसके पास कुछ नॉलेज है तब तो वहाँ पे है, वो नॉलेज रखा है तब तो कुछ बता रहा है आपको कि हाँ आप ऐसे लगाओ। तो ट्रेनर का सुनो, ट्रेनर जो बता रहा है वैसे एक्सरसाइज लगाओ, जो मसल पार्ट बोल रहा है आप उसको लगाओ, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी मारने लगो, यार ऐसा नहीं होता है एक्सरसाइज में। जो ट्रेनर कर रहा है जो बोल रहा है उसको करो। अगर आपको ट्रेनर से नहीं समझ में आ रहा है तो ऑनलाइन बहुत कुछ मिलता है, आप ऑनलाइन जाके कहीं भी देख सकते हो, यूट्यूब से देखो, सीखो कुछ, खुद से मत कुछ ऐड करो यार, खुद से ऐड करते हो वहीं पे गलती कर देते हो, जिससे कि आपका जो मसल है वो जहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाता है। आप एक्सरसाइज कुछ और का लगा रहे हो और मसल कोई और हीट हो रहा है, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ आपका, वहाँ पे टाइम वेस्ट सब कुछ बर्बाद हो रहा है, इससे आप बचो। तो ये तीनों चीज़ को आपको माइंड में सेट करके चलना है, यहीं पर हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं और अपना बॉडी नहीं बनता और हम सोचते रहते हैं कि मेरा बॉडी आखिर क्यों नहीं बन रहा है भाई, क्यों नहीं बन रहा है। तो ये सब चीज़ को आप अपने लाइफ में अप्लाई करो, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सिर्फ मेरे बता देने से नहीं होगा, आपको इस चीज़ को फॉलो भी करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप समझिए। तो वीडियो यहीं तक था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना, इस तरह का वीडियो रेगुलर आते रहेगा, तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।